हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो राउंड वन का रिजल्ट तो आ चुका है, उसकी तो आपको पता ही है। तो एक बार अपन इसको पिछले साल 2020 की कट ऑफ से कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। तो 2020 के राउंड वन में कट ऑफ क्या थी? जनरल की 628, ओबीसी की 627 एंड ईडब्ल्यूएस की 622 एंड एससी की 537 एंड एसटी की थी 524। और इस बार राउंड वन की कट ऑफ क्या है? थोड़ी हाई रही है इस बार, 631 जनरल की एंड ओबीसी की 630 और ईडब्ल्यूएस की 628 एंड एससी की सेम एग्जैक्ट 537। पिछली बार भी 537, इस बार भी 537 और एसटी की भी लगभग बराबरी है, बस एक नंबर ज्यादा है, 525 गई थी। एंड अब राउंड टू की बात करते हैं। राउंड टू में पिछली बार जनरल की कट ऑफ थी 617 एंड ओबीसी की कट ऑफ थी 614 एंड ईडब्ल्यूएस की थी 611 एंड जो एससी है उसकी 507 एंड जो एसटी है उसकी 487 कट ऑफ रही थी। ये राउंड टू की थी, तो लगभग इसके आसपास ही रहने वाली है और इससे ज़्यादा रहेगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी इस बार। तो राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन मान के चलते हैं 618 से 619 जाएगी जनरल की। आप तो 620 मार्क्स ही समझ के चलो कि 620 मार्क्स से ऊपर जो बंदे हैं वो अपने आप को स्टेट में सेफ मानो और बाकी जो 620 से नीचे वाले हैं वो ऑल इंडिया के लिए ट्राई करते रहो ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान का कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादा बच्चों के ज़्यादा नंबर आते हैं यहाँ पे और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो जा सकती है राउंड टू की कट ऑफ भी हाई, कोई भरोसा नहीं है। एंड ओबीसी की कितनी जा सकती है? 617 से 618 के आसपास जाएगी ओबीसी की कट ऑफ एंड ईडब्ल्यूएस की भी थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, बस ईडब्ल्यूएस की 616 से 617 के बीच में मान सकते हैं अपन, इतनी ही जाएगी, इससे कम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि राजस्थान के बच्चों के मार्क्स काफ़ी हाई रहते हैं। एंड एससी में बात करते हैं अपन, तो एससी में 508 से 510 के बीच में मान सकते हैं अपन कि 508 से 510 वाले बच्चे सेफ हैं। 508 से अगर नीचे हैं आपके, 510 ही मान लो आप, तो 510 512 जो बच्चे हैं जिनके 510 512 से ऊपर है वो बच्चे राजस्थान के लिए रुके, बाकी ऑल इंडिया के लिए चले जाएं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है राजस्थान का। और एसटी के अंदर पिछली बार 487 थी, तो इस बार अपन 490 सेफ मान के चलते हैं, 90 या 492 तक मान सकते हो आप। तो इससे ऊपर वाले बच्चे सोच सकते हैं कि उनको मिल सकती है राजस्थान के अंदर, और इससे कम वाले बच्चे हैं वो ऑल इंडिया के लिए चले जाएं। राउंड टू में मिली थी तो राउंड टू में चले गए होंगे मोस्ट बच्चे, और मोपअप में मिलती है तो मोपअप में भी चले जाएं आप। वैसे तो राजस्थान का राउंड टू हो जाएगा मोपअप से पहले ही तो पता चल जाएगा आपको, इसलिए अगर मिलती है तो आप राजस्थान में ले लीजिएगा, अदरवाइज मोपअप के लिए आप जाइएगा और मोपअप में ही आप सीट ले लीजिएगा। तो ये थी राजस्थान की राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे रखा है, और भी हमने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं बाकी वीडियोज़ के। तो थैंक यू सो मच।